सुषमा माँ होगी। 7 दिन के अंदर अगर हमसे कोई त्रुटि बन गई हो, अगर कोई भूल बन गई हो, तो अपना बच्चा समझ करके माफ कर देना। कितनी बड़ी बड़ी द्वाराएं हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा है। आइए 2 शब्दों में अपना परिचय, फिर बाड़ी में विराम देती हूँ। लमा की जन्मभूमि को बार बार प्रणाम करती हूँ, इस कटरा मोहल्ले को बार बार प्रणाम करती हूँ, इस श्याम नगर मोहल्ले को बार बार नमन करती हूँ और क्षमा याचना यहाँ के भक्तों से मांगती हूँ। जो हमारे मामा कैलाश यादव कथा मालिक जिनकी बहन पत्नी है और 101 रुपए हमारे मामा कैलाश की तरफ से आए हैं, ये हमें विदाई भी दे रहे हैं, भगवान सदैव आगे बढ़ाते रहे। 7 दिन तक मैंने यहाँ प्रवेश करके ये नहीं जाना कि यहाँ पर मेरे माँ बाप नहीं है। मेरी मामियों ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैं अपने घर की याद में भूल गई। हमारे चाचा जी अब देश जी के हमारे परम पूज्य गुरुदेव गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, जो हमारे गुरुदेव जी इसमें दुनिया में नहीं रहे, जिनकी नाम की जय जयकार हो रही है, उनके प्रिय मित्र हैं हमारे चाचा जी, हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के पुत्र गुरु माधव कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमारे गुरु माधव जी हैं जो हमारे गुरु ब्रजेश शास्त्री जी के पुत्र हैं। मैं तो भगवान से यही कामना करूंगी, हे प्रभु, जब जब मैं जन्म लूं तो गुरु माधव के जैसे हमें गुरु मिले। हमारे गुरु ने बड़ा सहयोग दिया और साथ साथ हमारे चाचा जी ने जब कभी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमारे चाचा जी हमारा साथ देते हैं। वैसे हमारे जी चाचा जी हमारे गुरु के सिवा किसी के साथ नहीं जाते हैं, लेकिन मैं माधव शास्त्री की परम शिष्या हूँ और ये चाचा जी हमारे गुरु ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के प्रिय मित्र थे। इन्होंने हमारे गुरु जी का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब हमारे बड़े गुरुदेव इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके पुत्र का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सदा सदा मैं अपने चाचा जी की आभारी रहूंगी कि हमारे चाचा जी ने अपनी बेटी के लिए 7 दिन का समय निकाला, कभी इंसान नहीं भूलूंगी। Thank you.
से बढ़कर के मानते हैं। हमारे चाचा जी अभी ये नहीं सोचते हैं कि शिल्पी मेरी बेटी नहीं है। हमारे चाचा जी मुझे बेटे की तरह प्यार देते हैं, मुझे बेटे की तरह मानते हैं और मैं भी मेरे चाचा को एक पिता के समान मानती हूँ। जो ये चिमटा बजा रही है हमारे साथ, चिमटा को साथ दे रही है हमारे साथ में, जो हमारे चिमटा मास्टर योगेंद्र जी है, जो एका की बसने वाले हैं उनके परम शिष्य कन्हैया भैया ने साथ देकर हमारा साथ दिया। एक सौ एक मंत्राएं हमें दिखाई देने दे रही है हमारी मामी जो पसनेर से आई है, और 101 मंत्राएं हमें दिखाई में दे रही है हमारी मामी यानी जो हमारे बबलू मामा जी हैं उनकी धर्म पत्नी की तरफ से। कोई घड़ा नहीं बजाई जाती है राजकुमार वतन में, जो इस समय घड़ा बजा रहे हैं हमारे भैया राजकुमार जो फिरोजाबाद के बसने वाले हैं, ये हमसे पहले बोलते हैं ये आचार्य हैं। भैया ने साथ बता दिया कि परमानंद हमारे साथ ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के लिए। सुधीर यादव जो मैनपुरी के रहने वाले हैं, राधा रानी स्टूडियो मैनपुरी की तरफ से हमारे भैया जी जिनका चैनल है राधा रानी स्टूडियो, हमारे नए नए प्रोग्राम आपको सुनने के लिए व देखने के लिए राधा रानी कैसे नहीं मिलेंगे। और हमारे साउंड मास्टर भैया जो मंडामा के ही बसने वाले हैं, बहुत सुंदर भैया। और हमारा जो पुराना हुआ मामा कैलाश यादव के द्वारा, मामा कृपन यादव के द्वारा, मेरे मामा ने बड़ा सम्मान दिया, मेरे भाइयों ने मुझे बहन का प्यार दिया, कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मामियों कहना है मामियों से कि मिट्टी आज आई रही, प्यार को पाके ये सारे दुख भूल गई थी।
ये भी भूल गई कि बचपन में 3 महीना का छोड़ करके मेरी माँ दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ हमें छोड़ करके भगवान के पास नहीं, बल्कि मेरी माँ मुझे दोबारा मिल गई। मुझे ऐसा मांगी, उन्हें प्यार दिया, कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन दुख एक बात का है मम्मी, कष्ट इस बात का है दादाजी, जब भर जाऊंगी सुधीर भैया, जब भर जाऊंगी भैया दिल से कहूंगी, जो ये बलदेव परिवार से बढ़िया आए हैं, जो हमारे गांव के पास में सिमरिया बलदेवपुर गांव पड़ता है, वहां से चाचा जी बसने वाले हैं, ये कुछ मुद्राएं देकर के हमारा सम्मान करते हैं, भगवान से देव आगे बढ़ाए। कहना है मामी से मामियों से, अपनी नानियों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगती हूँ। आप सबका प्रेम मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, बस आप लोगों के ही सारे जी रही हूँ। अगर ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो सदैव ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी, और डाली हरी भरी तो फूल खिलते रहेंगे। मेरी मामियों, अगर शिल्पी की जिंदगी की सलामत है तो हम और आप मिलते रहेंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती हूँ। बोली एक नहीं आ रहा लेकिन